हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज दोस्तों तारीख है 15 और महीना है आपका जो है ये जुलाई, जुलाई की 15 तारीख है। तो अब बारिश शुरू हो गई है, कल से 14 तारीख से जो है सावन लग गया है तो बारिश शुरू हो गई है। तो जो हार्ड प्लांट होते हैं जिनकी शाखाएं देखिए मोटी होती हैं, उनको अब जो है उनको कटिंग से तैयार करने का टाइम आ गया है। तो मैंने आज जो प्लांट चूज़ किया है ये है गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट, और ये मेडिसिनल प्लांट है, ये एंटी फंगल प्लांट है और इसकी जो है मेडिसिन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने ये प्लांट लगभग 650 का प्लांट जो है मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था पिछले साल और मैंने अपने गमले में लगाया, लेकिन ये प्लांट इतना खूबसूरत है कि मुझे लगा कि मैं एक प्लांट और मतलब इसके बगल लगाऊं, लेकिन चूंकि बहुत ही ये महंगा है, कॉस्टली है, तो मैंने दूसरा नहीं परचेज़ किया और मैंने सोचा कि चलो इसकी कलम लगाते हैं। और बारिश भी आ रही है तो ये जो हार्ड वाले होते हैं ना ये बारिश में ही लगते हैं, क्योंकि इसमें जड़ें जो रूट्स होती हैं डेवलप होने में हमेशा पानी रहना चाहिए तो बारिश में ये लग जाती हैं। जैसे कि हम गुलाब की भी कटिंग वगैरह देखिए ठंडी या बारिश में लगाते हैं, और इसीलिए इसको भी ऐसे हमने चूज़ किया है। तो अभी अगर गर्मी में लगाते तो ये कलम सूख जाती है, लेकिन अब बारिश मौसम शुरू हो गया है तो हम इसी में लगा रहे हैं। तो ये देखिए, और बस अब हमने क्या किया है ना कि एक बड़े पेड़ जो हमने ख़रीदा था, परचेज़ किया था नर्सरी से, उसी की मैंने एक डंडी एक शाखा को देखिए कट कर लिया है, ये इससे मैंने कट कर लिया है। और जो है अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके लीव्स को रिमूव कर दूँगी। और लीव्स को रिमूव करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह की मुझे डंडी मिलेगी। और मैंने ये पॉली बैग लिया है इसलिए क्योंकि अगर आपको जैसे कि अगर आप ऐसे कोई कंटेनर लेंगे ना तो पानी रुकने की समस्या होती है और उसमें जड़ें अच्छे से रूट्स जो है डेवलप नहीं होती हैं और कलम क्या होती है सड़ जाती है, फंगस लग जाता है। इसलिए आप इसमें चाहें तो खूब सारे ड्रेनेज बना के आप इसको भी यूज कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाला बॉक्स, और चाहें तो ऐसे देखिए बॉटल है ये ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा अगर आपको पॉली बैग मिले तो किसी नर्सरी से लाइए, बहुत सस्ता मिलता है, मैंने थोड़ा सा खरीद रखा हुआ है ये। तो इसमें बस मैं इसे मिट्टी डालूँगी, ये देखिए मिट्टी डालूँगी ऐसे पूरा, और उसके बाद इस जो कलम को मैंने जो लीव्स को रिमूव कर रखा है उसको इसमें लगा दूँगी और वाटरिंग कर दूँगी। बस उसके बाद इसको जो है अभी जो है मैं इसको सेमी शेड एरिया में, क्योंकि हल्का सा बहुत मतलब आधे घंटे की धूप आए कि पानी इसका सूख जाए, सड़े ना हमारी कलम इसलिए, और बाकी जो है छांव रहे। फिर हम इसको 10-15 दिन तक, 15 तक इसको हम बिना धूप के रखेंगे सेमी शेड एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क में भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये प्लांट जो है वो सड़े ना, इसकी कलम सड़े ना बहुत ज़्यादा। अगर अब अंधेरे में रख देंगे तो इसके क्या है रूट्स तो डेवलप होंगे लेकिन फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको हल्की सी सुबह की धूप या कहीं आधे घंटे की धूप इस पर लगनी चाहिए जिससे कि बहुत जो पानी एक्स्ट्रा हो वो सूख जाए और हवा लगे इसमें कलम में। तो बस ये देखिए ये मेरी तैयार हो गई है और मैंने इसको जो है रिमूव करके ये देखिए एक नई कलम ये देखिए कट कर लिया है, इसे मैं ऐसे लगा दूँगी। बस अब इसमें मैंने पानी डाल देना है, और ये देखिए वहाँ पे देखिए धूप आ रही है, वहाँ नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे प्लांट्स के बीच में इसको रखेंगे जिससे इसमें नमी बनी रहे, इसमें नमी बनी रहे। तो मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर वीडियो को आगे। और तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और हाँ, एक मैंने देखिए स्टिक वाली लगाई है मैंने, ये देखिए ये सूख गई थी, ये मैंने नहीं लगाई है, ये मैंने भी नया एक प्लांट तैयार किया है, ये देखिए ये भी मैं लगाई हूँ। उसके बाद फिर जो है ये देखिए दूसरा क्या है, मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो मैं पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो आप लोग ये देखिएगा कि इसको क्या है, मैंने अब इसको इसकी जो है लीफ रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही नाजुक और बहुत पतला है ऊपर का पोर्शन, तो मैं यहाँ से इसको बस कट करूँगी कि ये मिट्टी में चली जाए और इसको भी लगा दूँगी। तो देखती हूँ कि कौन से जल्दी से रूट्स देती हैं, किस जो है स्टिक में जल्दी से रूट्स डेवलप होती हैं, और आप लोग साथ शेयर करेंगे फिर बाद में हम कि पत्ती रिमूव करने के बाद रूट्स डेवलप हुई कि ये पतली डंडी में जल्दी रिमूव
नहीं रिमूव करने वाली ब्रांच में जो है रूट्स डेवलप हुए। दोनों में मैं डिफरेंस करके और दोनों को ग्रो करके आपको दिखाऊंगी, आगे अपडेट देती रहूंगी। तो बने रहिएगा चैनल पे और बाकी वीडियोस भी पड़ी हुई है, देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्लांट को कहते हैं गोल्डन बॉटल ब्रश प्लांट। आप लोग नर्सरी में इसको टोपियारी गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट मांगेंगे तो मिल जाएगा। और अगर हम जो है जैसे लगा रहे हैं, आपको कहीं बड़ी बड़े पेड़ में कोई ब्रांच मिल जाए तो आप उससे अपने फ्रेंड्स या किसी से काट के ले आइए, घर में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग इस वीडियो को वॉच करके अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।